गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पिछले प्रैक्टिकल में कुछ एसी मोटर के कनेक्शन और स्टार्टर के बारे में प्रैक्टिकल किया था, तो आज हम लोग ये सेलिंग फैन का कनेक्शन देखेंगे। ठीक है, सेलिंग फैन का ये स्टेटर का जो है वाइंडिंग हो चुका है, और वाइंडिंग होने के बाद यहाँ देख रहे हैं दो स्टार्टर का और दो स्टार्टिंग वाइंडिंग और दो रनिंग वाइंडिंग, यानी कि ये जो टर्मिनल निकला हुआ है यहाँ से ये, ठीक है, दो टर्मिनल इसका और दो टर्मिनल ये अंदर वाले वाइंडिंग का। तो अंदर वाले वाइंडिंग जो होगा रनिंग होगा और बाहर वाले जो होगा स्टार्टिंग होगा, यानी कि अधिक गहराई पे स्थापित किया जाएगा और ये कम गहराई पे। तो ये आज इसका हम लोग ये कनेक्शन करेंगे, और कनेक्शन करने के बाद ये निकालेंगे, टर्मिनल निकालेंगे, फिर कनेक्शन करके पंखा को चलाएँगे। ये क्या सेलिंग फैन का, ठीक है। तो अब इसके बाद ये जो है तार को जोड़ लेंगे, ये टर्मिनल निकला हुआ है। टर्मिनल निकालने के से पहले, ये कनेक्शन करने से पहले यहाँ हम लोग इसको चेक कर लेंगे कि ये जो वाइंडिंग है सही है कि नहीं है। तो ये मल्टीमीटर है, और ये मल्टीमीटर का स्कोप को हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट पे कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे ये वाइंडिंग सही है कि नहीं है। ये दो टर्मिनल इसका जो है इसको सटा रहे हैं यहाँ, तो मल्टीमीटर बता रहा है रीडिंग, यानी कि ये रेजिस्टेंस बता रहा, ठीक है। ये बाहर वाले वाइंडिंग का टर्मिनल पे देखेंगे, यहाँ भी देख रहे हैं, ये भी ठीक है, यानी कि वाइंडिंग हमारा ठीक है। और ये जो टर्मिनल है इस दूसरे टर्मिनल पे नहीं बताएगा, यानी कि एक बाहर वाला और एक अंदर वाले पे लगाएंगे, नहीं बताएगा, ठीक है। फिर इसमें भी एक बाहर वाला और एक अंदर वाले वाइंडिंग पे लगाएंगे, ये कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। तो इस तरह से अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका कनेक्शन करके निकालेंगे। तो कनेक्शन निकालने से पहले ये इसमें स्लीव लगा देते हैं, ठीक है। ये स्लीव काट के रखे हुआ है, और ये इसके अंदर पहले लगा देंगे, और प्रत्येक कॉइल में ये अंदर स्लीव लगा देते हैं, इसलिए ताकि जो होगा वाइंडिंग जो कहीं शॉर्ट सर्किट या कहीं लीकेज जो होगा वो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और फिर एक इसमें भी लगाएंगे, ये पतला वाला लगा दिए, और मोटा वाला फिर ये इसमें लगाना होगा इस तरह से। मोटा वाला लगा करके फिर इसमें कनेक्शन कर देंगे हम लोग। ये जो टर्मिनल निकला हुआ है एक तार लेकर के इसमें जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद इस तरह से जोड़ दिए, और फिर इसको क्या करेंगे, सोल्डिंग भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये सोल्डिंग जो है इसको कनेक्शन करने के बाद लगा देंगे, और ये पेस्ट भी सोल्डिंग करते समय थोड़ा पेस्ट लगा देते हैं, फिर इसके बाद ये जो है ये सोल्डिंग कर देंगे, ताकि जो कनेक्शन जो लूज होगा वो ढीला रहे नहीं रहेगा, और स्पार्क कभी नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए हम लोग सोल्डिंग कर देते हैं, हो गया। और इसके बाद ये फिर दूसरे टर्मिनल पे, यानी कि इसी का ये दूसरा जो है इसी का एक सिरा दूसरे में जोड़ देंगे, यानी कि जो अंदर वाला होगा ब्लैक वाला टर्मिनल निकल जाएगा दो टर्मिनल बाहर, और इसमें भी एक स्लीव लगा दिया जाएगा, ताकि कनेक्शन कहीं स्पार्क ना हो या कहीं ये क्या हो, स्लीव को लगा देंगे। और लगाने के बाद इसको कनेक्शन इस पर कर देंगे, और फिर कनेक्शन करने के बाद ये सोल्डिंग लगा देंगे, ताकि कनेक्शन जो होगा लूज नहीं होना चाहिए। और फिर इसको क्या करेंगे, स्लीव लगा देंगे फिर इसके बाद। तो अब इसके बाद ये अंदर वाला कॉइल का टर्मिनल निकाल लिए, फिर ये बाहर वाले कॉइल का टर्मिनल निकालेंगे, इसको जोड़ देंगे रेड वाला तार से, और फिर जोड़ने के बाद इसमें एक ये
दूसरे टर्मिनल में जोड़ेंगे और फिर इस पे भी सोल्डिंग कर देंगे ताकि कनेक्शन ढीला नहीं हो, स्पार्क नहीं करें। ठीक है, इस तरह से। और ये थोड़ा पेस्ट लगा लेंगे। ये पेस्ट लगा लेंगे और पेस्ट लगाने के बाद सोल्डिंग कर देंगे, कनेक्शन लूज या ढीला हो या जल्दी पकड़े, ये छोड़ नहीं दे। ठीक है, और सोल्डिंग करने के बाद स्लिप चढ़ा देंगे और स्लिप चढ़ाने के बाद इसको धागा से बांध करके टर्मिनल को बाहर निकाल लेंगे, फिर स्टेटर को फिट करेंगे। ये हो गया। और इस वाइंडिंग को जो किए हैं इसको स्लिप उसके ऊपर से चढ़ा दिया जाएगा। ये हो गया। फिर इसको भी फिर सेम उसी तरह से करेंगे। ये जो स्लीव उसमें लगाए हैं पहले से, इसको इसके ऊपर चढ़ा देंगे, इंसुलेटेड कर दिया गया। फिर इसको भी सेम उसी तरह से, ये इसको चढ़ा दिया गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इकट्ठा करके बांध देंगे। ठीक, चलो। अब इसके बाद ये तो टर्मिनल निकाल लिया, टर्मिनल निकालने के बाद इसको कहीं एक जगह इसको केबल टाई से बांध देंगे, नहीं तो धागा रहे तो धागा, केबल टाई नहीं मिले तो क्या करेंगे, ये धागा से बांध देंगे। अभी हम लोग के पास केबल टाई है तो केबल टाई से बांध सकते हैं। ठीक है, और केबल टाई से बांध देंगे ताकि तार को खींचे उचेंगे तो कनेक्शन कहीं खुले टूटे नहीं। ठीक है, इस तरह से इसको किसी कॉयल में एक बार रख करके बांध देंगे। और बांधने के बाद ये केबल टाई का विशेषता है कि कभी ये खुलता नहीं है, ये इसको लास्ट में काटना ही पड़ता है, और जो एक्स्ट्रा है इसको काट देते हैं। हो गया, फिर इसको हो सके तो एक जगह और बांध सकते हैं इसमें एक और केबल टाई से। बांध देंगे और बांधने के बाद टर्मिनल को बाहर इस छेद से होकर के निकाल लिया जाएगा। और एक्स्ट्रा जो टाई है उसको काट करके बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ जो है ये दो तो जो तार है, ये चारों टर्मिनल को यहाँ देखिए, पंखा के जो ये लंबा वाला जो रड है यहाँ होल दिखाई दे रहा है, और यहाँ से इसको लगा करके ये ऊपर की ओर बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, ये के इसमें जो भी तार है इसको अंदर होल से होते हुए इसको बाहर ऐसे इस तरह से निकाल लेंगे, और निकालने के बाद ये तार को एक एक करके खींच लेंगे। ये हो गया, आ गया यहाँ। अब इसके बाद ये जो खींचने वाला तार जो हटा लेंगे, और यहाँ जो ये दिखाई दे रहा है इस तार को काट करके, आ गया यहाँ। तो अब यहाँ हमें चार टर्मिनल दिखाई दिया। ठीक है, अब इस चारों टर्मिनल को फिर से एक बार मल्टीमीटर से हम लोग चेक कर लेंगे या टेस्ट लैंप से, कहीं कनेक्शन तो अंदर टूटा या ढीला तो नहीं होगा। ठीक है, ये आ गया चार टर्मिनल। फिर इसके बाद ये एक एक करके फिर इस मल्टीमीटर को सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको एक बार ऊपर भी चेक कर लेंगे। ये रेड वाला जो जोड़े हैं एक कॉइल में है, दोनों आना चाहिए इस तरह से रीडिंग। ठीक है, ये रेड वाला आ गया, रीडिंग दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद ये ब्लैक वाला जो है ये भी रीडिंग दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ तक हमारा सही है। अब इसके बाद इसका बॉडी लाएंगे, और बॉडी लाने के बाद इसमें को फिट करेंगे, और फिट करके पंखे का ऊपर टर्मिनल निकाल करके कनेक्शन करेंगे। ठीक है, ये बॉडी दिखाई दे रहा है।